टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे भी हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तीन हम लोग बात किए थे मेथड का, एक्स निकालने का। पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे पूरा क्वेश्चन वेश्चन कर लिए। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो सीखेंगे, और इसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि इसी से निकलेगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखना अच्छे से आज। नंबर वन क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे हम लोग, उसके बाद सीख लेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नंबर वन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है वो सुनो। फॉर्मूला पहले पता है कि नहीं, देखना ये वाला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला, दो फॉर्मूला का काम है, ठीक है, समझ में क्या क्या करना है। देखो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर वन में ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है उस कोफिशेंट से थ्रू आउट डिवाइड मार देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या दिख रहा है, टू, तो थ्रू आउट टू से डिवाइड, मतलब इसको भी पूरा टू से डिवाइड, इसको भी पूरा टू से डिवाइड। तो क्या क्या बन जाएगा देखना, टू एक्स स्क्वायर, ये बाई जो टू है, ये बाई टू सबका बाई है, तो टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सेवन एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। तो टू कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। यहाँ तक ठीक है। हमको अब इसको ना सजाना है या तो इस पैटर्न में या तो इस पैटर्न में। अब देख के समझ में आ जाएगा किस पैटर्न में सजाना पड़ेगा, कहीं माइनस दिख नहीं रहा है तो ऑब्वियसली इस पैटर्न में सजाना पड़ेगा, जिसमें ए स्क्वायर पहला चीज मिल गया। मेरा ए कौन आ गया, मेरा ए हो गया x, मेरा ए हो गया x, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया ए स्क्वायर, अब होना चाहिए टू ए बी, यही होना चाहिए ना। तो टू ए बी ये होना होगा कि ये होगा, क्या लग रहा तुम लोग, टू ए बी ये हो सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है टू ए बी, क्यों, क्योंकि इसमें a ऑलरेडी है, a क्या था x था, x यहाँ पे छुपा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता टू ए बी, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ठीक है। तो इसको टू ए बी कैसे बनाएंगे, तो पहले लिख देंगे टू, अपने मन से लिखे टू, ठीक है, अपने मन से लिखे, इसलिए टू से क्या कर दिए डिवाइड। a लिखना है, a क्या है, a है x, ये इन टू का साइन है, ठीक है, a x है, x को क्या भरपाई करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं, ये यहाँ से उठाए हैं, बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। वंस मोर, टू ए बी लिखना था तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले टू लिख दिए अपने मन से, याद रखेंगे टू अपने मन से लिखें, फिर a लिखना था जो कि x है, तो x कहीं यहाँ पे है, हाँ है, लिख गया, लिख दिए उठा के। फिर b लिखना था, तो b अभी पता नहीं क्या है, पहले भरपाई वाला काम खत्म करते हैं, टू अपने मन से लिखे हैं तो बाई टू कर दिए। अब जो बच गया क्या बचा, सेवन बाई टू, तो सेवन बाई टू को भी लिख दिए, बात समझ में आया। तो अब जो यहाँ पे टू ए भी लिखा हुआ है, ये तो टू है, ये एक्स ए है, जो बच जा रहा है इसका मतलब वही है बी, बात समझ में आया। तो मेरा बी क्या बन गया, बी बन गया सेवन बाई फोर, बता रहे ये सेवन बाई टू समझ में आया, ये एक्स समझ में आया, तो सेवन एक्स बाई टू दिख रहा है, सेवन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे जो टू लिखे हैं एक्स्ट्रा उसी को भरपाई किए वाला टू से, हाँ, क्योंकि अपने मन से तो नहीं कुछ कर सकते ना, अपने मन से अगर कर रहे हो तो उसको न्यूरीफाई करना पड़ेगा, उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, बात समझ में आया। यहाँ तक तो था जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ है, सेवन एक्स बाई टू सेवन एक्स बाई टू, बट हमको टू ए भी चाहिए, तो एक टू लिखना पड़ा मजबूरी में, बट उस मजबूरी को क्या करेंगे हम लोग, भरपाई कर देंगे, टू डिवाइड कर, समझ आ गया। तो यहाँ पे हो गया टू ए, और जो बच जा रहा है वो पूरा बी, मतलब सेवन बाई फोर बी, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन हो जाएगा, जो भी बी है, बी क्या है, सेवन बाई फोर, तो सेवन बाई फोर का स्क्वायर कर देंगे, सेवन बाई फोर का स्क्वायर, क्या ये लिखा हुआ था सेवन बाई फोर का स्क्वायर, नहीं लिखा हुआ था, अपने मन से ना ये चीज़ को प्लस कर दिए, इस चीज़ को भरपाई करने के लिए फिर से इसी चीज़ को वापस क्या कर देंगे, माइनस, जब मल्टीप्लाई किए थे अपने मन से तो भरपाई करने के लिए डिवाइड कर दिए, जब अपने मन से कुछ प्लस कर रहे हैं तो भरपाई करने के लिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो लिखा हुआ था एक चीज़ बचा था उसको भी लिख दो, माइनस प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्लस टू ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला में बैठ गया, वो फॉर्मूला क्या है उसको भी मिटा रहे हैं, इसका काम होता है। चलो आगे करते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताना ए कौन है यहाँ पे, ए है एक्स प्लस बी कौन है यहाँ पे, सेवन बाई फोर, तो लिख देंगे सेवन बाई फोर, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, समझ में आ गया। इस पूरे चीज़ को हम लोग कॉम्पैक्ट साइज में ऐसा लिख दिए, ठीक, ये जो चीज़ बाकी जो बच गया
उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। कैसे भेजेंगे देखिए, सेवन का स्क्वायर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा 49, प्लस में हो जाएगा 49 बाई कितना 16, और माइनस हो जाएगा 3/2। समझ में आया क्या? नेक्स्ट स्टेप, एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 16 का आ जाएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 49, माइनस हो जाएगा 24। समझ आया क्या? नेक्स्ट, एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस करो 9 - 4, 4 - 2 / 16, ठीक। इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लगता है, अंडर रूट के बाहर क्या होता है, प्लस माइनस, याद आ रहा है? हाँ, तो x प्लस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 25/16, तो हो जाएगा यहाँ से क्या, x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ठीक है। यहाँ इतना दूर तक, आगे किधर कर दे, यहाँ कर देते हैं, आगे देखना, आगे है यहाँ पे कर देना है x एक बार प्लस इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू प्लस 5/4, प्लस 5/4 को उठाएं और प्लस 7/4 उधर जाएगा, तो या फिर ऐसा लिखते थोड़ा और सहूलियत हो जाएगा, ऐसा करते सुनना, इक्वल टू लिखते हैं प्लस माइनस 5/4 और माइनस 7/4, ठीक है। तो दो चीज़ हो जाएगा, यहाँ से दो चीज़ निकल जाएगा, एक बार निकल जाएगा x इक्वल टू प्लस 5/4 माइनस 7/4, और एक बार निकल जाएगा माइनस 5/4 माइनस 7/4, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 4 एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 7, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 एलसीएम माइनस 5 माइनस 7, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 2/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 12/4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 आंसर, साथ में भी लिखा है एक और मिस प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, दो आंसर आ गया मेरा। समझ आया क्या, इसका दो वैल्यू निकला, इसको अगर हम लोग स्प्लिट द वेल टर्म करते तो भी दो वैल्यू यही सब निकलता, बट ये वाला किस मेथड से निकला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक बार जल्दी जल्दी फिर से फास्ट फॉरवर्ड में सुनो, पहला स्टेप जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहे उससे थ्रू आउट कर देना है डिवाइड दोनों साइड, फिर ये पूरे में 2 हो गया, इस वजह से इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें तो 0/2 तो 0 ही रह गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 प्लस 3/2 प्लस 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, यहाँ तक मस्त समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, उसके बाद फिर से इजी सा है, स्ट्रगल पार्ट यहीं पे, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान दे देना यहाँ, ठीक है, ध्यान देना, इसमें ध्यान मत देना, इसमें देना। ए स्क्वायर लिखा हुआ है हमको फॉर्मूला में, क्या फॉर्मेट क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमको पता चल गया कि एक चीज़ का स्क्वायर दिखा मतलब यही है ए, तो ए को बोल दिया मेरा ए कौन है, मेरा ए एक्स है, तो ए स्क्वायर हो गया। अब 2ab में ए है और बी स्क्वायर में ए नहीं है और ए है एक्स, तो बी ए किसमें है वो देखना, इसमें ए है कि इसमें ए छिपा हुआ है, इसमें दिख रहा साफ साफ ए छिपा हुआ है, मतलब इसमें ही 2ab होने का क्षमता है, ये आगे जाके 2ab बन सकता है ज़िंदगी में, ठीक है, ये नहीं बन सकता, इसमें वो काबिलियत नहीं है, तो ये 2ab इसको बना सकते हैं। तो 2 अपने मन से लिख दिए, ए को उठा के यहाँ लिख दिए और बाकी जो चीज़ था उसको छाप दिए, 2 को जो अपने मन से लिखे थे उसको भी भरपाई कर दी, तो हो गया 2a, और जो एक्स्ट्रा चीज़ बच जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बी, तो इसका मतलब बी कितना हो गया 7/4, ठीक है, इतना प्लस, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 2ab हो गया, अब होना चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे मत खोजना, जो भी तुम बी पता किए उसी का स्क्वायर करके लिख देना कि हो गया बी स्क्वायर, फिर उसी को भरपाई कर देना, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखे माइनस करके वही चीज़ वापस लिख दो, और फिर जो लिखा हुआ था यहाँ पे इसको भूल मत जाना, इसको भी लिख देना इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही से पता करना ए कौन है बी कौन है उसका होल स्क्वायर लिख देना और इक्वल टू लिख देना उसके बाद, और जो चीज़ दिख रहा है बाकी बचा हुआ उसको कहाँ फेंक देना, उस साइड फेंक देना, तो उधर हो जाएगा 49/16 माइनस 32/3/2, सॉल्व वॉल्व कर दिए, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या किया, स्क्वायर हटाएं, उधर क्या आता है रूट आता है, बट प्लस माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो एक आंसर देगा अधूरा आंसर है, गलत है, काटेगा नंबर, कोई टीचर पूरा ही काट देगा, ठीक है, तो प्लस माइनस देखना ज़रूरी है। तो एक्स प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया 5, ये हो गया 4, फिर यहाँ पे आ गए प्लस, प्लस माइनस दोनों लिखे हैं पहला स्टेप में, और प्लस प्लस 7/4 को उधर भेज दिया माइनस 7/4, यहाँ से आइदर और का सिचुएशन बन गया, आइदर होगा प्लस, हाँ, इसके बाद केस वन केस टू मत लिखो, यहाँ लिखना आइदर और यहाँ लिखना और, ऐसे क्रिएट करना, ठीक है, आइदर और मतलब या तो ये बात या तो वो, एक होता है ना, हाँ, ऐसे कर देना, तो आइदर में ये आ गया एक वैल्यू और में ये आ गया एक वैल्यू, समझ में आया पूरा, लिख लो इसको 3, 1 का 3, 4x स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिखते हैं,
प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। चलो बताना, स्टार्ट करो। इससे डिवाइड करें थ्रू आउट, फोर से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट। पोजीशन सही नहीं बैठ रहा है, हाँ फोर से डिवाइड करेंगे इधर भी और उधर भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस फोर रूट थ्री एक्स बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर इक्वल टू जीरो। हाँ वही तो बोले थे हम, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट रहता है उससे डिवाइड करते हैं। टू से डिवाइड नहीं करना है, फोर से भी डिवाइड नहीं करना है। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा रहता तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि वन होता, वन से क्या ही डिवाइड करोगे। ठीक है चलो काटना स्टार्ट। तुम लोग देख रहे हो कि बना रहे हो, खुद से नहीं बनाना है, इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे उसको खुद से बनाना है, इसको देखना है। डबल लेयर हो जाएगा, थोड़ा सा जहन में घुस जाएगा, अच्छे से सब समझ में आएगा। चलो फोर और फोर कट गया, यहाँ भी फोर और फोर कट गया, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बाई फोर। ठीक, मेरा ए क्लियर हो गया कि मेरा ए कौन है, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं कि मेरा ए है एक्स प्लस। अब हमको टू ए भी बनाना है, प्लस प्लस है तो प्लस टू ए भी होगा। किसका बनने का पोटेंशियल कौन है यहाँ, ये वाला, तो हो जाएगा टू अपने मन से इंटू ए मतलब एक्स इंटू बी जो बच गया उसको लिख देंगे और भरपाई कर देंगे किसको, तो ये टू हो गया, ये हो गया ए और ये जो बच गया यही है मेरा बी। समझ आया क्या, तो मेरा बी पता चल गया कितना है, ये समझ में आ, यही चीज़ मेन है, बस इतना ही मेन, इसके बाद सब इजी है। ये समझ में आ गया तो आ गया पूरा, इसके बाद करते हैं, अब इजी हो गया। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो बी स्क्वायर क्या करेंगे, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, भरपाई करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, फॉर्मूला में बैठ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का ए कौन है बताओ, प्लस बी कौन है बताओ, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। फिर इक्वल टू लिखेंगे, इसको लिखें इक्वल टू लिखेंगे, ये वाला चीज़ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री है, थ्री बाई फोर, फिर माइनस, समझ आया, तो क्या हो जाएगा दोनों कट के ज़ीरो। समझ में आया क्या, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। स्क्वायर हटेगा उस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा जीरो, तो हो जाएगा एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर, लिखने का मतलब नहीं बनता वैसे, तो एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ जीरो, तो एक्स इक्वल टू दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस रूट थ्री बाई टू और दूसरा भी क्या हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्लस समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस जीरो नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जीरो प्लस माइनस नहीं होता, तो जीरो को जीरो ही लिखना पड़ेगा, तो दूसरा जीरो माइनस रूट थ्री बाई टू ही होगा, तो एक ही वैल्यू आ रहा है, बट एक ही वैल्यू लिख नहीं सकते, उसी को दो बार रिपीट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तीन चीज़ बताए थे कि दो वैल्यू हमेशा होता है, उस दो वैल्यू में हो सकता है दोनों का दोनों रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, तो पिछला वाला वही था, रियल था और डिस्टिंक्ट था। दूसरा केस था कि दोनों का वैल्यू, दोनों दो वैल्यू निकले और दोनों वैल्यू क्या हो, रियल भी हो और इक्वल हो जाए, तो ये वाला वो वाला केस, रियल भी है और इक्वल हो गया। और थर्ड केस है वो डज नॉट एग्जिस्ट वाला, नेगेटिव वाला, इमेजिनरी, वो आउट ऑफ सिलेबस, तो उसमें क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये लिख लो, इजी सा था, तुम लोग को नेक्स्ट ट्राई करना ये वाला। प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ही करेंगे बताओ, काम ही क्या है हम लोग का, क्वेश्चन इस बार ये है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसा रहता है उसी को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इससे एक्स का वैल्यू निकालना है, पहला स्टेप क्या था हम लोग का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट रहता है उससे थ्रू आउट डिवाइड मार दीजिए। एक्स का कोफिशियंट क्या दिख रहा है, ए, तो ए से थ्रू आउट डिवाइड करो, कितना आएगा, यहाँ पे बाई ए, यहाँ पे भी बाई ए। ठीक, तो हो कितना जाएगा बताना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू। ठीक है इतना, मेरा ए कौन है, मेरा ए, मेरा ए एक्स ही है। ठीक है, तुम लोग का ए कौन है, हाँ
उन लोग का भी यही है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस टू ए बी लिखना है तो टू लिख दिए इन टू, एक मिल रहा है यहाँ पे, हाँ मिल रहा है, इन टू जो बच गया, क्या बच गया, बी बाई ए बच गया। कुछ दिक्कत है यहाँ पे कि ठीक है हो गया, हाँ ये जो टू अपने मन से मल्टीप्लाई किए उससे डिवाइड भी अभी करना है इन टू ए, इतना समझ में आया, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए, और ये देखो कहाँ गया, ये वाला बी बाई टू ए दिख रहा है, तो बी बाई टू ए मेरा हो जाएगा बी, मेरा बी कौन है, तुम लोग का बी कौन है, हम सब का बी कौन है, बी बाई टू। चलो अभी आगे करते हैं, बताना, प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर, मतलब बी बाई का फिर माइनस का होल स्क्वायर प्लस, इसको तो भूल गए ना, इसको बोलना नहीं है, इसको लिखना है, बोल मत जाना इसको, फिर बताना, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला में है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ए कौन है इसका, एक्स प्लस बी कौन है, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और उधर कौन जाएगा, बी बाई टू ए मतलब उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया, पहले यार हजम कर लो, डाइजेस्ट कर लो, कोई दिक्कत यहाँ तक, सौरभ सिमरन अंजलि नहीं दुर्वी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना, सुनना क्या करेंगे, फोर ए स्क्वायर है और ए है, इस दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो फोर ए स्क्वायर का ए का एलसीएम देना पड़ेगा, फोर ए स्क्वायर का और ए का एलसीएम कितना आएगा, एक जन बोल रही है फोर ए, बाकी लोग बताओ, फोर ए स्क्वायर हमको एलसीएम चाहिए, कैसे देख लो, यहाँ पे है फोर ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ए, एलसीएम लेना है, तो पहले ए से डिवाइड करो, ए से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, इसको ऐसे डिवाइड करो कितना बचेगा, फिर फोर से कर लो, कोई मतलब नहीं बनता वैसे, फिर ए से कर लो, ये समझ में आया, एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर इंटू ए इंटू ए कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा फोर ए स्क्वायर एलसीएम, फिर फोर ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे फोर ए स्क्वायर से, आएगा वन, वन इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर फोर ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, फोर ए आएगा, फोर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कुछ चीज़ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ दिख रहा है तुम लोगों को पहले से, चलो इसको हटाते हैं, फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग अभी से कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख गया दिख गया, x प्लस देखना, x प्लस बी बाई टू ए, ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा पहले तो, फिर रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर कौन हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर ना, ठीक है इतना समझ में आया ना पक्का, ओके, फिर x प्लस बी बाई टू ए प्लस सॉरी इक्वल टू प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट से बाहर निकल सकता है क्या, सिर्फ b निकल सकता है, पता था बोलोगे, हाँ अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होता तो b बी स्क्वायर के बदले b निकल जाता, फोर के बदले टू निकल जाता, बट बीच में माइनस प्लस रहने से एक एक ये एक यूनिट होता है, साथ में इकट्ठे होता है, इसको तुम तोड़ के एक चीज़ को निकाल नहीं सकते, समझ आया, जैसे कि कहीं लिखा हुआ है फोर प्लस टू का रूट है तो ये सिक्स का रूट है ना, सिक्स निकल पाएगा बाहर, तुम बोलोगे सर हम ऐसा करते हैं फोर को निकाल देते हैं टू और प्लस रूट टू कर देते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना, समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर यही चीज़ ऐसा ना हो के ऐसा होता फोर इंटू टू, तब तुम फोर को टू बाहर निकाल लेते और एक टू को अंदर रख देते, ये चलेगा, बीच में इंटू है तो चलेगा, बीच में डिवाइड है तो चलेगा, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको निकालना पड़ेगा, बट प्लस माइनस कर ही नहीं पाएंगे तो निकाल भी नहीं पाएंगे, समझ आ रहा है, ये सब चीज़ बहुत बार हो गया पता है, ये सब बार बार हम पूछते हैं कि हो निकाल लेंगे, बोलते हाँ मस्त निकाल लेंगे, चलो ऊपर वाला जैसा है वैसा रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नीचे वाला निकल पाएगा क्या कि नहीं, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड में तो निकलता है, नीचे वाला फोर ए प्लस ए स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है,
फोर इंटू है तो निकल जाएगा, फोर क्या बन के बाहर निकलेगा, टू बन के बाहर निकलेगा, क्या हो गया जिया, वो डिप्रेशन क्यों हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, एस्केप कर जा रहे तुम कहीं और चले जा रहे हो, नहीं, ए स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा, हेलो हेलो आवाज आ रहा है मेरा, नेटवर्क इशू हो गया, ए स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा, टू बोल दिए तुम लोग, कोई लॉजिक ये हो गया, इतना दूर तक एक्स निकालना था ना हम लोगों को, तो एक्स को अकेला करो, इधर हो गया ये देखो प्लस बी बाई टू है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई टू है, फिर प्लस माइनस लिखा हुआ है दोनों, फिर यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक बोलो, ठीक ठीक, अब यहाँ देखना एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बाई में टू ए है, यहाँ पे भी बाई में टू ए है, टू ए और टू ए का एलसीएम कितना आएगा, टू ए, तो टू ए को टू ए से डिवाइड करेंगे वन, तो माइनस बी की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस बी ही लिखना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा, फिर 2a को 2a से डिवाइड करेंगे फिर से 1, 1 इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो रूट अंडर वही रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और यही वाला है हम लोग का अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से निकला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से निकला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही निकला है, बात समझ में आया, इसमें कितना वैल्यू निकला है इसका, दो की एक, किसी को एक दिख रहा है क्या, दो दिख रहा है ना सबको, ये हमें माइनस बी प्लस ए बाई टू है, एक बार माइनस बी माइनस टू ए बाई टू है, ठीक है, चलो एक बार जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करते हैं, ठीक है, चलो देख लो एक बार, दिक्कत हो रहा है, आ रहा है, आएगा एग्जाम में आएगा, उस हिसाब से एक बार देख लो, उस नज़र से तुम लोग देखे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए था तो थ्रू आउट ए से डिवाइड कर दिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए, इसलिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स बाई ए को बी ए बाई ए एक्स लिखे, सी बाई ए लिख दिए इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर टू लिख दिए अपने मन से तो भरपाई कर दिए नीचे टू, फिर एक्स को लिख दिए और बी बाई ए को छाप दिए तो टू ए, और जो बच गया उसी को क्या बोलते हैं, बी, तो बी बाई टू ए मेरा बी बन गया, तो प्लस बी स्क्वायर करना था तो बी बाई टू ए का होल स्क्वायर कर दिए, सेम टू सेम चीज़ माइनस कर दिए, प्लस जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ था उसको लिख दिए, ठीक है, ये पूरा चीज़ हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इक्वल टू लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको भेजते हैं उस साइड, उसको भी भेजते हैं उस साइड, ये माइनस वाला साइड गया तो प्लस में गया बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, क्योंकि दिख ही रहा है टू का स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये प्लस में था उधर गया तो माइनस सी बाई ए, फोर ए था, फोर ए स्क्वायर था और ए था, एलसीएम कितना आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर, सब में दिक्कत हो तो एक बार करके ही देख लेना, इसलिए हम वैसा तलेम तरीका भी बताते हैं ताकि कर पाओ एग्जाम में अगर फंस जाओ तो फोर ए स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे इसी से तो बी स्क्वायर एज इट इज उधर जाएगा, माइनस के बदले माइनस फोर ए स्क्वायर, सो एक्स डिवाइड करेंगे तो फोर ए बचेगा, ये कैसे बचेगा समझ में आ रहा है सबको, ए कट जाएगा फोर ए ना बचेगा, तो फोर ए इंटू सी फोर ए सी, ठीक, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर पूरे में रूट आ जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा, वही किए हैं, स्क्वायर हटाए हैं प्लस माइनस लगाए हैं रूट लगाए हैं, ऊपर वाले को देखें कि ये निकल नहीं पाएगा तो रख दिए जैसा है वैसा, नीचे वाले को देखें कि फोर के बदले टू निकल जाएगा, ए स्क्वायर के बदले ए निकल जाएगा तो निकाल दिए रूट से बाहर, तो ऊपर वाला रूट में रह गया, नीचे वाला रूट से बाहर निकल गया, उसके बाद एक्स निकालना था हमको फाइनली, एक्स का वैल्यू निकालना था, तो एक्स को अकेला करेंगे तो इस चीज़ को उधर भेजेंगे, तो प्लस बी बाई टू है उधर जाएगा तो माइनस बी बाई टू है, प्लस माइनस ये वाला पूरा, इधर भी टू है, टू एलसीएम ले लिए तो ऊपर वाला एज इट इज उतर गया, यही बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, हम लोग अब क्या होगी, इवोल्यूशन हो गया हम लोग का मैथ्स में, ऐसी मैथ्स में इवोल्यूशन हुआ है, पहले के ज़माना में सबको ऐसे यूज़ करता था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही इकलौता तरीका था एक्स निकालने का, फिर वो जो श्रीधर आचार्य जी हैं वो ऐसा करके इस तरह से निकाले पूरा और बोले कि अब से ऐसा मत करो तुम लोग मूर्ख लोग, अब इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा तुम लोग का, तो अब सबको वही क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल दिया उसको, फिर फॉरेन कंट्री लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला नक के नाम से प्रचलित कर दिया, बट ये एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, वही पहले निकाले थे, चलो लिख लो इसको, चलो क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर वन में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व किए थे याद करो, 2 से डिवाइड किए थे वगैरह, बहुत को मेहनत किए थे, अब नहीं करेंगे, अब लिखेंगे ये फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ले एक बता रहा दूसरा बोलिए तब किसी की अलग ही लेवल है, बी का बताओ कितना, बी कितना है, सी कितना है, माइनस के बदले माइनस, बी के जगह में माइनस 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर
मतलब प्लस 49 माइनस 4 एसी मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2 है 2 इंटू 2 तो एक सिक्वेंस हो जाएगा इधर प्लस 7 प्लस माइनस और रूट अंडर 49 माइनस 24 बाई 4 इक्वल टू प्लस 7 प्लस माइनस कितना आएगा बताओ 9 माइनस 4 5 4 माइनस 2 2 अच्छा सही बात है ओके तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होगा 5 बाई 4 मतलब यहाँ से अब दो आंसर निकल के आएगा एक्स इक्वल टू एक बार हो जाएगा 7 प्लस 5 बाई 4 और एक बार हो जाएगा 7 हाँ तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 12 बाई 4 कितना आ जाएगा 3 और एक बार आ जाएगा इधर कर देते हैं x इक्वल टू 7 माइनस 5 बाई 4 तो हो जाएगा 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2 ठीक है इसमें बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन जल्दी सॉल्व करते हैं सुनना कैसे करेंगे x ले लेंगे एलसीएम ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसके बाद ए बी सी का वैल्यू पता चल गया ए कितना है 1 बी कितना है माइनस 3 सी कितना है माइनस 1 फॉर्मूला लगाना एक्स इक्वल टू रुक जाओ फॉर्मूला लगाना पुट करना सॉल्व करना आंसर आ जाएगा रहने देते ठीक है इतना लिखने का भी जरूरत हमको लगता नहीं कि है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30 इसमें भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है एलसीएम लेंगे पहले देख लो लिखने का जरूरत है कि नहीं समझ लो आराम से पहले x प्लस 4 x माइनस 7 ठीक है इसको डिवाइड करेंगे इससे तो x माइनस 7 बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 हो जाएगा माइनस के बदले माइनस फास्ट बोल रहे क्या समझ में आ रहा ठीक है इसको डिवाइड करेंगे इससे तो x माइनस 4 लिखेंगे बट यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 समझ में आया कैसे हाँ ब्रैकेट लिखेंगे ये ब्रैकेट फिर ब्रैकेट खुला तो ये प्लस हो जाएगा ये समझ में आया वेट 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 ब्रैकेट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस अच्छा ओके ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा माइनस ठीक है ओके और इधर 11 बाई 30 जैसा है वैसा माइनस हाँ क्योंकि माइनस के बाद कभी भी कुछ चीज़ लिखते हैं तो ये हम लोग कसम खाए थे शुरुआत में कि माइनस के बाद कुछ भी लिखना होगा ब्रैकेट में लिखेंगे ठीक है माइनस 7 माइनस 4 कितना बाई इधर x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30 11 11 काट दे क्या नहीं क्यों नहीं काट रहे हाँ तो माइनस 1 बार में काट रहे हैं 1 बार में नहीं काट रहे माइनस 1 बार में काट रहे माइनस तो रह रहा है माइनस रहेगा तो इधर माइनस के साथ 30 आएगा तो माइनस 30 बन जाएगा और ये पूरा 1 के साथ जाएगा ये पूरा वही रह जाएगा इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू x एक्स स्क्वायर इधर माइनस 7x इधर ये क्या है 4 और x सेम जैसा लग रहा है प्लस 4x और इधर माइनस 28 हमको हो जा रहा है तुमको क्या नहीं होगा इधर अरे इक्वल टू 0 नहीं इधर इक्वल टू माइनस 30 है ना एक्स स्क्वायर लिख दिए इसको बताओ क्या लिख दे माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 अभी इक्वल टू 0 होगा ये समझ आया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इसके बाद सॉल्व कर लोगे और इतना लिखने का ज़रूरत है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब जो भी लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे अब क्या होगा तीन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है